मैं पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन पूजा। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक ब्राइडल मेकअप लेके आई हूँ और ये मेकअप है आपकी हल्दी और मेहंदी के लिए। सिंपल सा मेकअप है, देखने में काफ़ी सुंदर लगोगी आप। ये मेकअप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। तो मैंने अपने फेस पे टोनर, मिस्ट और मॉइस्चराइजर लगा लिया है। उसके बाद मैं अपने आईब्रो फिल कर रही हूँ और मैंने विट एंड वाइल्ड का ही आईब्रो ब्रो पैलेट लिया है। आप किसी भी, जो भी आप यूज करते हो उसका ले सकते हो। तो मेरी आईब्रो फिल हो चुकी है, अब मैं लगा लूँगी प्राइमर। यहाँ पे मैंने कलर बार का प्राइमर लिया है। और अब मैं कंसीलर लगाऊंगी अपनी आईब्रो बोन पे, अपनी आईब्रो को HD लुक देने को। और मेरी आईब्रो सेट भी नहीं है तो और अच्छा करने को, पतला करने को। और ये कंसीलर मैंने अपने नोज पे और अपना वो एरिया पे लगाया है जो डार्क हो गया है। फोरहेड पे भी मैंने यही कंसीलर लगाया है। और फिंगर की सहायता से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने विट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है, काफ़ी आसानी से ये मिक्स हो जाता है। और इसके बाद मैं अपना फेस कॉन्टोर करूँगी। अब बारी है आई मेकअप की। अगर आप बिगिनर हैं ना तो ये साइड में टेप लगा के आई मेकअप करोगे ना तो काफ़ी खूबसूरत आई मेकअप होगा और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैंने आई शेडो का एक डार्क कलर लिया है ब्राउन और उसको अपनी आई कॉर्नर में लगा लूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी आई शेडो सेट ले सकते हो, बट हल्दी का मामला है तो पीला ज़रूर रखना और आप इसके साथ पिंक भी ले सकते हो। तो मैंने इस डार्क सेट से अपनी अच्छी से कट क्रीज बना ली है। दोनों आँखों की इस तरह से बना लेना है और फिर जब हमको येलो कलर लेना है ना तो उसको मिडिल से, बीच से लगाना है, हमें कॉर्नर से नहीं लगाना है। कोई भी आई सेट हो जब आप लगाए करो, दूसरा कलर सेट जो आप आई लीड पे लगाते हो ना उसको बीच से लगाओगे ना तो आपका कलर काफ़ी अच्छा आएगा और कभी देखने में वो पैची नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या लगाया है, सुंदर ही लगेगा। जब भी आप आई शेडो लगाओ तो उसको ये कोशिश ना करो कि हम एक या दो बार में ही पूरा आई शेडो कम्प्लीट कर लेंगे, पूरा मेकअप कम्प्लीट कर लेंगे, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लगाओगे ना तो वो केक ही नहीं लगेगा। इसके बाद हमें आईलाइनर लगा लेना है। काफ़ी सिंपल सा मेकअप होता है, काफ़ी आसान होता है, लेकिन देखने में सिंपल नहीं लगता है, लगता है जैसे आप पार्लर से तैयार होके आई हो। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए आईलाइनर लग चुका है और आईलाइनर कैसे लगाएं ये भी मैंने बताया है। अब मैं आईब्रो बोन पे हाइलाइटर लगा लूँगी। ये मैंने सिल्वर कलर का लगाया है और वो भी लाइट थोड़ा रखा है। फिर ये टेप निकाल देना है और फिर देखिए कितनी खूबसूरत लगने लगती है ना आंखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये देखिए कितना खूबसूरत था, कितना आसानी से हो गया है। अब मैंने यहाँ मेबलिन का लिया है फाउंडेशन और इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी, अपने नेक पर अप्लाई कर लूँगी। और फाउंडेशन जब भी आप लगाएं उसको पुश करके लगाएं, यानी दबा दबा के लगाएं, रगड़ रगड़ के ना लगाएं। पहले आप दबा दबा के लगा लीजिए, फिर आपको लगेगा कि अभी पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ तो फिर उसको आप रगड़ के मिक्स कर लीजिए।
अब मैं लगा रही हूँ आई कॉर्नर में आई शेडो, गोल्डन आई शेडो, ताकि आंखें देखने में और भी खूबसूरत लगे। इसके बाद बारी आती है नीचे वाले चीज़ आंखों पे। अब मैं नीचे सबसे पहले येलो शेड लूँगी, वही जो मैंने ऊपर लगा रखा है। उसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो लूँगी और उसी से मैं काजल लगा लूँगी। आप चाहो तो काजल भी लगा सकते हो, बट काजल मेरी आँखों में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती हूँ जल्दी। आपकी आँखों में ज़रूर अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पर काजल लगा लेना। उसके बाद मैं ब्राउन ब्लशर ले रही हूँ और उसको अपने चिक पे लगा ले रही हूँ, और देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा। ब्लशर भी आपको एक बार में नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके लगाना है। मुझे तो लगाना आता है इसलिए मैंने एक बार में ले लिया है, लेकिन आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके लगाया करो। और ब्लशर को आप हमेशा सी शेप में लगाओगे ना, तो आपका फोरहेड और ब्लशर मतलब चिक एरिया अच्छे से कवर होगा और काफ़ी खूबसूरत सा लुक आएगा। मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट और अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट हमने इसमें ब्लशर के बाद लगाया है ताकि ब्लशर और ब्लश करे और जो उसकी जो डार्कनेस है ना थोड़ी सी कम हो जाए। और यहाँ पे मैं मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ये और काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अब हमें हाइलाइटर लगा लेना है अपने चिक एरिया पे, थोड़ा सा ये जो हमारी चिक बोन होती है ना वहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे ना तो आपका हाइलाइटर एकदम परफेक्ट लगेगा। अपने चिन पे भी आपको लगाना है, नोज पे भी लगाना है, अपर लिप पे भी लगाना है, फोरहेड पे भी लगाना है आपको। और इसके बाद आप लगा लीजिए लिप कलर अपनी पसंद का। मुझे लग रहा है मुझे रेड लगाना चाहिए, आप लोग बताइएगा। मैंने यहाँ विट एंड वाइल्ड का लिप कलर लिया है। आधा मेकअप तो हो गया, मैं ड्रेसअप होके आती हूँ और बाकी का मैं बाद में करती हूँ। और फिर हमें लगा लेना फेक आईलाइनर, लगाना मैं भूल गई थी। उसके ऊपर से आपको आईलाइनर लगा लेना है, मेकअप फिक्सर लगा लेना है, अच्छा सा ड्रेसअप हो जाना है, हेयर स्टाइल बना देना है, ज्वेली पहन लेनी है, चूड़ी पहन लेना और तैयार हो जाना है। काफ़ी लाइट वेट मेकअप हो जाता है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा इसको कैरी करने में। तो ये हो गया है मेरा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट। हल्दी मेकअप आप बोल सकते हो, मेहंदी मेकअप बोल सकते हो, काफ़ी सुंदर लगेगी ब्राइड अगर ऐसे तैयार होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और मेकअप चाहिए तो कमेंट में बताइएगा।